next question question says two circular coils 1 and 2 are made from the same wire but the radius of first uh, coil is twice that of second coil सवाल है वॉट पोटेंशियल डिफरेंस इन वर्ल्ड शुड बी अप्लाइड अक्रॉस दैम सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज सेम हमारे ऑप्शन है दो तीन चार या छः अगेन सिंपल सवाल है थोड़े से यहाँ पर डेटा मैन्यूपलेसन अपने को करना पड़ेगा ये बात अपने को पता है कि अगर मान लीजिए आपकी एक कॉयल है इस कॉयल का मान लीजिए रेडियस आर है नंबर ऑफ टर्नस आपके एन है और इसमें करंट आपका आई जा रहा है तो इस केस में हम बी को लिखते हैं म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई आर नाउ अगर हमारी दो कॉल हैं जिनका एक एन वन है दूसरे का एन टू है रेडियस आर वन आर टू है करंट आई वन आई टू है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी वन डिवाइडेड बाय बी टू अब इसके बेजिस पे हम कह सकते हैं बी आपका एन आई और आर के प्रपोशनल होगा ऑलाइट यहाँ पे एक टू आर भी आता है ऑलराइट म्यूनाट एन आई डिवाइड बाई टू आर होगा ये ऑलाइट सो इस इसके इसमें अपना जो आ, B1 B2 हो जाएगा ये हो जाएगा N1 वन डिवाइड बाय एन टू मल्टीप्लाइड बाई आई वन डिवाइडेड बाई आई टू मल्टीप्लाइड बाय आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर टू डिवाइड बाय आर वन ये आपका बी वन और बी टू की वैल्यू हो जाएगी ना इस केस में हमें ही कहा जा रहा है कि बी वन और बी टू बराबर हैं तो बी वन बी टू अगर बराबर है तो दिस इंप्लाइज एन वन आई वन आर टू विल बी इक्वल टू एन टू आई टू आर आर वन ये वैल्यू हो जाएगी हमें बताना है कि I1 वन अच्छा यहाँ पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उसके बेसिस पे हम आपके करंट को यहाँ लिख सकते हैं सो so, करंट I इसको हम लिख सकते हैं V बाई आर आर कैपिटल आर रेजिस्टेंस है और क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम वायर है तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस सेम होएगा तो उस बेसिस पे I को हम डायरेक्टली V से रिप्लेस कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज वी वन डिवाइडेड बाई वी टू आ, इसको पूरा यहाँ एक बार लिख लेते हैं सो so, ये आएगा एन वन वी वन आर टू विल बी इक्वल टू एन टू वी टू आर वन इस वाले केस में हमने कैपिटल हॉल जो है आपका uh, वो एलिमिनेट कर दिया बिकॉज uh, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होएगा नाउ इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आपका वी वन डिवाइड बाय वी टू ये हो जाएगा इसको इधर ले आते हैं ये हो जाएगा एन टू डिवाइड बाई एन वन मल्टीप्लाइड बाय आर वन डिवाइडेड बाई आर टू ना हमें ये दिया हुआ है कि आपने सेम वायर लिए इसको ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए आपने सेम वायर लिए उससे एक बार तो आपने ऐसे ही एक लूप बनाया दूसरी बार आपने ऐसे लूप बनाया जिसका रेजिस्टेंस का ट्वाइस है इसका मतलब ये कि उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स आपके टू हो जाएंगे तो नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंड वाले केस में मतलब इस वाले केस में जिसका रेडियस कम है उसके नंबर ऑफ टर्न्स आपके बढ़ जाएंगे सो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि आपका जो केस दिया हुआ है रेडियस ऑफ फर्स्ट क्वाल इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर्स यानी कि ये हो गया आ, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं आ, ये आ जाएगा आपका रेडियस आपका ये ट्वाइस है तो ये टू आर वन ये टू आर ये टू बाय वन हो जाएगा और यहाँ पे क्योंकि आपके आ, इसका रेडियस ट्वाइस है तो इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंड वाले में टू हो जाएंगे हालांकि तो इसके बेसिस पे हम कह है सकते हैं विच एम्प्लाइज वी वन शुड बी इक्वल टू फोर टाइम्स बी टू सो इस रेशो में आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होएगा सच दैट uh, क्या आपका दोनों का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहे सो बेस्ड ऑन दिस हम ही कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी फोर वुड बी द राइट आंसर